हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं LTTS को, जो कि L&T ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है और इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है लास्ट 1.5 ईयर में और अपने इन्वेस्टरों को काफी तगड़ा रिटर्न दिया है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इतने रिटर्न देने के बावजूद ये लगातार हायर हाई बना करके ये चल रहा है और 100 रुपये की तेजी के साथ 4,778 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि TCS ने अपने Q2 के नतीजे जारी कर दिए और इसके जो नतीजे हैं दोस्तों इतने धमाकेदार आए हैं। डबल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी तगड़े डबल डिजिट में तकरीबन 29% देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि L&T की जो ये कंपनी है LTTS, ये भी काफी धमाकेदार रिजल्ट हम इन्वेस्टरों के सामने लेकर के आ सकती है। और इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं दोस्तों, तो आप डेट याद रखो, 19 अक्टूबर को इनके Q2 के नतीजे आने वाले हैं और साथ में इस कंपनी ने डिविडेंट भी डिक्लेयर करने की ठानी है और इसके डिविडेंट के रिकॉर्ड डेट दोस्तों ये 27 अक्टूबर को देखने को मिल सकते हैं। जो भी डिविडेंट ये डिक्लेयर करेगी उसके रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग बोले कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना रिजल्ट लेकर के आ रही है। Q1 के रिजल्ट इसके काफी धमाकेदार थे। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इसके Q1 के रिजल्ट आए थे तो इसने 20% का सर्किट मारा था और काफी दिनों तक इसमें तेजी बनी हुई थी। तो क्या हम लोग इस बार भी एक्सपेक्ट करें कि LTTS 20% का सर्किट लगा सकता है? तो क्यों नहीं लगा सकता है दोस्तों। अगर इसके Q2 के भी रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिलेंगे तो ये कंपनी इस बार भी काफी तगड़ा मूव दिखा सकती है। ऐसे तो अगर हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें दोस्तों, और ये डेली चार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अपने 200 डेज एमआ, 100 डेज एमआ, 50 डेज एमआ, 20 डेज एमआ से ऊपर जा करके ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो इसके प्राइस जो देखने को मिल रहे हैं वो काफी बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा इसके चार्ट से ही ये अपीयर हो रहा है दोस्तों कि इसमें आने वाले दिनों में तेजी बनने वाली है, क्योंकि TCS ने काफी तगड़ा गाइडेंस दिया है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जब मंडे से मार्केट ओपन होगा तो सारे के सारे IT कंपनियां जिनके फंडामेंटल काफी मजबूत हैं उसमें तगड़ी रैली हम लोग आता हुआ देख सकेंगे और उस रैली में LTTS भी पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके टारगेट क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग इस वीडियो के आगे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। अगर आप स्किप करके देखोगे तो वो इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएंगी और आपका निर्णय गलत भी हो सकता है आधा अधूरा वीडियो देख करके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लगाता आप भी हो इसके साथ रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो इसके Q1 के नतीजे आए थे वो कैसे देखने को मिले थे उसको एक बार हम लोग रिविजिट कर लेते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग LTTS के Q1 रिजल्ट को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि March Q के रेस्पेक्ट में June Q में इनके नेट सेल्स में तकरीबन 5.5% का ग्रोथ देखने को मिला था। वहीं अगर इनके जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो March Q के रेस्पेक्ट में June Q में इनके नेट प्रॉफिट में तकरीबन 11% से ज्यादा का हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था LTTS ने और इसके साथ ही इसके शेयर भाव में हम लोगों को 20% का अपर सर्किट देखने को मिला था। ये तो हाल है दोस्तों Q1 रिजल्ट का। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट का कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं कि June Q to June Q ये तकरीबन 17% से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी। वहीं पर इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें काफी तगड़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर
84% से ज्यादा का हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला था। तो काफी तगड़ा सेट ऑफ नंबर्स LTTS ने क्वार्टर वन में प्रस्तुत किया था, लेकर के आई थी, और इसी के चलते इसमें सर्किट देखने को मिला था, और उस समय के स्तर से ये शेयर काफी ऊपर निकल चुका है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस प्रकार से TCS ने धमाकेदार क्वार्टर टू के रिजल्ट प्रस्तुत किए, उसी प्रकार से LTTS भी क्वार्टर टू के रिजल्ट धमाकेदार प्रस्तुत करने जा रही है, और इसके चलते इसके शेयर भाव में हम लोगों को काफी उछाल देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग सीधे चले आते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट पर, और बात करते हैं कि टेक्निकली इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले दिनों पर, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग स्क्रीन पर डेली चार्ट देख रहे हैं, और डेली चार्ट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो LTTS के शेयर लगातार हायर हाई हायर लो बना करके चलते हुए देखने को मिल रहे थे, और इसने हाल ही में तकरीबन 10 से 15 दिन पहले 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल छुआ था। उसके बाद इसमें हम लोग हल्की फुल्की गिरावट देख रहे हैं, और वापस से ये स्टॉक आप देख पा रहे हो कि ये अपटिक दिखा रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि अब ये फ्रेश ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिलेगा, और इसके जो साइकोलॉजिकल 5000 के लेवल है उसके ऊपर जाकर के ये शेयर ट्रेड करेगा, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इसके जो टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, वो क्या देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा करके रखे हैं, और इसके आधार पर अगर हम लोग इसके प्राइस टारगेट को लगाने की कोशिश करें तो एक जो पहला लेवल निकल करके आ रहा है दोस्तों LTTS के शेयर में, वो 6182 का देखने को मिल रहा है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले दोस्तों कि जल्द ही हम लोग LTTS के शेयर को तकरीबन 6200 के आसपास जाकर के ट्रेड करता हुआ अवश्य देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके भी पोर्टफोलियो में LTTS के शेयर होंगे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपने किस प्राइस पर LTTS के शेयर को परचेज किया, और आप इसे कितने दिनों तक होल्ड करना चाहते हैं, और आप क्या देख पा रहे हैं कि अगले साल तक इसी समय LTTS किस भाव पर ट्रेड कर सकता है। इन सारी बातों को आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मेरे व्यूअर्स वीडियो देख करके कमेंट करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन लेवल काफी हाई हो जाता है, और मैं लगातार इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद।